तारा बीच चंद्रमा महा महान भैया वैसे वैसे निशनमा में कमल निशान भैया इसी चिन्ह को साथ रखे थे पीएम अटल बिहारी जी पीएम अटल बिहारी हाथ जोड़ कर खड़े पड़े हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह का है ये ऐलान भैया नहीं रुकतई देशवा के उत्थान भैया नहीं रुकतई देशवा के उत्थान भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हम मौजूद हैं गया की गुड़ारू गांव में, जहां अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वो 4 बजे अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच पर से सभी जनताओं को अपने अपने कार्यकाल के, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बारे में बताएंगे और जनता से, यहाँ पे देखिए गया की ही रहने वाले, गुड़ारू गांव के ही रहने वाले हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, वो जो जहाँ जहाँ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचते हैं उस गाँव में ये पहुँच कर और अपने गानों से और अपनी कविता से सबको अपने ऊपर प्रसन्न करते हैं। अब इनसे ही कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है, इनसे ही आप बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुरुआ थाना बर्मा के रहने वाला हूँ, कबीर राम नरेश जी मेरा नाम हुआ। और ये सब बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग हैं तो कुछ का स्थान दिल में बस गया है। जहाँ जहाँ अमित शाह जाते हैं, नरेंद्र मोदी पहुँचते हैं, आप उस सभा में आ जाते हैं। इसके पहले आखिर क्यों आ जाते हैं? आखिर इसलिए आ जाते हैं कि इनका बोलने का रंग ढंग स्टाइल, भीड़ भाड़, वहाँ का छवि झांकी देखने के लिए चले आते हैं कि किस तरह का अभी देश का माहौल है, मूल मिजाज कहाँ जा रहा है, यही सब चीज़ देखने के। गया गुड़ारू गांव में कैसा माहौल है? गया और गुड़ारू का, गया औरंगाबाद, ये चारों तरफ जो है से मोदी जी का लहर है, राममय लहर है। चूँकि मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि जैसे धर्म के रंग में डुबो दिया है, धार्मिक रंग डुबो दिया है, इसीलिए दिल तक तह तक पहुंचने में वो स्थान ग्रहण कर लिए हैं। अभी आप कुछ कविता गा रहे थे, जरा कविता गा के सुनाइए, कैसा नरेंद्र मोदी के बारे में और अमित शाह के बारे में। ठीक है। तारा बीच चंद्रमा महा महान भैया वैसे निशनमा में कमल निशान भैया इसी चिन्ह को साथ रखे थे पीएम अटल बिहारी जी पीएम अटल बिहारी हाथ जोड़ कर खड़े पड़े हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी पीएम नरेंद्र मोदी अमित शाह का है ये ऐलान भैया नहीं रुकतई देशवा के उत्थान भैया नहीं रुकतई देशवा के उत्थान भैया। द्वापर काल में श्री कृष्ण जी इस धरती पर आए जी इस धरती पर आए त्रेता काल के रामचंद्र जी इस धरती पर आए जी इस धरती अवतारे मंदिरिया बनी गले भव्या लीसान भैया नहीं रुकतई देशवा के उत्थान भैया। बहुत सुंदर। आप प्रधानमंत्री के लिए और अमित शाह के लिए तो गाना गा दिए, ये बताइए कि गया में अरुण कुमार सिंह दिखेंगे या फिर अभय कुशवाहा? नहीं, अभी तो अरुण कुमार सिंह का स्थिति अच्छा जा रहा है। क्यों, अभय कुशवाहा का नहीं? अभय कुशवाहा इसीलिए कि उनका जो बैकग्राउंड है उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आदमी अभी बैकफुट पर रखा हुआ है। हाँ ठीक है, तो क्या कहिएगा आप लोग, यार के युवा है, देश के
नवयुवक है, क्या कहना चाहते हैं? अरे कुशवाहा, यहाँ सब है कुशवाहा, औरंगाबाद से। हाँ यही तो देखे आपके सामने, कोई ना, यहाँ सब है कुशवाहा औरंगाबाद से। आपका क्या राय है बाबा? हाँ सुशील सिंह, सुशील सिंह कमल खिलाएंगे, कमल खिलाएंगे। हाँ देखिए, अभी हमने आपको सुनाया कि बाबा जो हमारे साथ थे वो उन्होंने कविता किस तरह से गाया नरेंद्र मोदी को लेकर और अमित शाह को लेकर। फिर उसके बाद जनता से हमने जानने की कोशिश की कि अभय कुशवाहा या फिर अरुण कुमार सिंह, तो लोग कह रहे हैं कुछ जो राजद के हैं पार्टी जनता, बीजेपी के लोग में पंडाल में अभी आए हुए हैं, वो लालटेन को जलाएंगे। और कुछ जनता का कहना है कि बीजेपी कमल खिलेगी। आप लोग का क्या राय प्रतिक्रिया है कॉमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।